आज हम आपको ले चलते हैं बनारस काशी के राजा डोम के पास। हम आ रहे हैं, हम आज की मुलाकात करा रहे हैं। तो हम लोग किताबों में, साहित्य में और रामायण में और बहुत सारे ग्रंथों में हमने पढ़ा है कि काशी का राजा डोम हुआ करता था, जिनका नाम कालीसैन डोम या कलवा डोम जैसे लोग बोलते हैं। आइए हम आपका परिचय करा दें उस बाबा डोम के, राजा डोम के परिवार के लोगों से। आपका क्या नाम है? पवन चौधरी। आप बाबा कालू डोम के क्या लगते हैं? वो हमारे पूर्वज रह चुके हैं, उनके विषय में तुम बताएं। वो हमारे कलवा डोम यहाँ के राजा रहे हैं, उन्हीं ने सबको आरोप देते हैं। हम लोग कलवा डोम के वंशज हैं, हम लोग यहाँ पे लाज जलाने का अग्नि अग्नि देते हैं, जिससे लोग हम लोग के पास से अग्नि ले जाके दाह संस्कार करते हैं। हम लोग कलवा डोम के वंशज हैं और हम लोग यहाँ अग्नि देते हैं, तो यहाँ पर दाह संस्कार लोग करते हैं। अच्छा, ऐसा हमने सुना है कि अगर डोम राजा के परिवार का कोई व्यक्ति लाश को अग्नि ना दे तो उसकी मुक्ति नहीं होती, इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। तो आप अब तक जीवन में कितने लोगों का मुक्त कर चुके हैं? अपने ज़िंदगी में कम से कम 10 से 20 लाख आदमी का मुक्त कर चुके हैं। जी, अच्छा ये बताइए कि यहाँ काशी में आपके पूर्व डोम थे और यहाँ जैसे काशी है ब्राह्मणों की नगरी भी कहा जाता है, बड़े बड़े विद्वान सुना है हमने, पढ़ा है कि हमने, तो हिंदू जो ब्राह्मण वर्ग है वो डोम जाति के प्रति उनका व्यवहार कैसे, उठ बैठ खान पान भाईचारा क्या वो समानता रखते हैं या वो मतलब छुआछूत करते हैं? समान रखते हैं, समानता रखते हैं, यहाँ के लोग पूरा समान रखते हैं, यहाँ जातिवाद यहाँ पर नहीं है। पूरे शहर की बात हम करते हैं, यहाँ घाट की नहीं, पूरे शहर की बात हो तो देखिए हम लोग घाट पर रहते हैं, अभी हम लोग तो ऊपर जाते हैं, लेकिन हम लोग के साथ तो लोग जातिवाद वाला तो नहीं करता कि ये डोम समाज का है इसको दूर रखो, इसका छुआ खाएंगे नहीं, ऐसा प्रकार का तो ऊपर कोई ऐसी बात होती नहीं है। किसी भी समाज के घर हम लोग चले जाते हैं, वहाँ हम लोग के प्रति ये सब नहीं है, जो चीज़ नहीं है तो वो हम अभी जैसे हम यहाँ आने से पहले एक बस्ती में गए थे, बीटी के पास जो बस्ती है अपनी डोम जाति के, वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि नहीं, हिंदू समाज के लोग हमारे समाज के लोगों से छुआछूत करते हैं। तो आप सही कह रहे हैं या वो सही कह रहे हैं? देखिए हम लोग के पास तो आज तक ऐसी सूचना नहीं है ना, तो किसी प्रकार का भी हम लोग जाएँ या से सागर मिठाई की दुकान है या कहीं चले जाएँ तो इसी प्रकार का, तो हम लोग को तो छूट था तो कहीं से दिखा नहीं कि हाँ ये पानी ये छू दिया, ये पानी तुम मत पियो, तुम्हारा पानी अलग से है वो पानी पियो, ऐसी प्रकार का तो कोई बात हम लोग के साथ हुआ नहीं, तो किसी प्रकार का कैसे हम बात करें। चलिए थैंक यू।